ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने 28 फंदे लिए हैं, 26 फंदे 13 के मल्टीपल से लिए हैं, प्लस 2 फंदे एक्स्ट्रा लिए हैं एस स्टिच के लिए, और अभी तक मैंने इसकी कोई भी रॉ नहीं निकाली है। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये इसकी फर्स्ट रॉ है और राइट साइड है। ये देखिए, इस सारी रॉ को ऐसे उल्टे उल्टे फंदों के साथ बुनकर कंप्लीट करेंगे। सेकेंड रो है रॉन्ग साइड। इस सारी रो को भी उल्टे उल्टे फंदों के साथ बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। इसकी सारी रॉन्ग साइड जो होंगी वो उल्टे उल्टे फंदों के साथ ही बनाएंगे। ये देखिए, रॉ सेकंड कंप्लीट हो गई है। अब ऊपर इसकी रॉ थर्ड एंड फोर्थ रॉ फर्स्ट एंड सेकंड की तरह बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, रॉ फोर्थ कंप्लीट हो गई है। अब हमारी रॉ फिफ्थ है राइट साइड। एस स्टिच ऐसे ही उतारेंगे, यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। अब स्टार्टिंग के 4 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4। अब देखिए, इस फंदे पर हम बबल्स बनाएंगे, एक फंदे के 5 फंदे बनाएंगे, 1 धागा आगे लाएंगे, 2 फिर से सीधा बुनेंगे, 3 धागा आगे लाएंगे, 4 और सीधा बनाएंगे, 5। एक फंदे के 5 फंदे हो गए, रॉन्ग साइड में जाएंगे और 5 फंदे उल्टे बना लेंगे, 1 2 3 4 5। सीधी साइड में जाएंगे और 4 फंदे शिफ्ट करेंगे, 1 2 3 4। एक फंदा सीधा बना लेंगे और 4 फंदे ऊपर से ड्रॉप कर देंगे। ये देखिए, फिर एक फंदा सीधा बनाएंगे। अब यही प्रोसेस हम 2 बार और रिपीट करेंगे। टोटल हमने ये 3 बबल्स बनाने हैं। फिर से हम बबल्स बनाएंगे, एक फंदे के 5 फंदे बनाएंगे, 1 धागा आगे लाएंगे, 2 3 धागा आगे लाएंगे, 4 5। रॉन्ग साइड में जाएंगे, 5 फंदे उल्टे बना लेंगे, 1 2 3 4 5। सीधी साइड में आएंगे और 4 फंदे शिफ्ट करेंगे, 1 2 3 4। एक फंदा सीधा बनाएंगे और 4 फंदे ऊपर से इसके ड्रॉप कर देंगे। ये देखिए, फिर से एक फंदा सीधा बनाएंगे, थर्ड टाइम फिर से बबल्स बनाएंगे, एक फंदे के 5 फंदे बनाएंगे, 2 3 4 5। रॉन्ग साइड में जाएंगे और 5 फंदे उल्टे बना लेंगे, 1 2 3 4 5। सीधी साइड में आएंगे, 4 फंदे शिफ्ट करेंगे, 1 2 3 4। एक फंदा सीधा बना लेंगे और 5 फंदे ऊपर से इसके ड्रॉप कर देंगे। ये देखिए, और फिर 4 फंदे सीधे बना लेंगे, 1 2 3 4। स्टार्टिंग का ऐसे छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया। इसमें हमने 4 फंदे सीधे बनाए, फिर बबल्स बनाया, फिर एक फंदा सीधा, बबल्स बनाया सेकेंड टाइम,
एक फंदा सीधा और थर्ड टाइम बबल्स बनाया और फोर फंदे सीधे बनाए हैं। ये हमारा 13 फंदों का पैटर्न है। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। फिर से इस पैटर्न को रिपीट करेंगे, फोर फंदे सीधे बनाएंगे 1 2 3 4। फिर से थ्री टाइम बबल्स बनाएंगे, ये देखिए एक फंदे के पांच फंदे बनाएंगे 1 2 3 4 5। रॉन्ग साइड में जाएंगे और फाइव फंदे उल्टे बना लेंगे 1 2 3 4 5। सीधी साइड में आएंगे, फोर फंदे शिफ्ट करेंगे 1 2 3 4, एक फंदा सीधा बना लेंगे, फोर फंदे ऊपर से ड्रॉप कर देंगे। फिर एक फंदा सीधा बनाएंगे, सेकेंड टाइम बबल्स बनाएंगे 1 2 3 4 5। रॉन्ग साइड में जाएंगे, फाइव फंदे उल्टे बना लेंगे 1 2 3 4 5। सीधी साइड में आएंगे, फोर फंदे शिफ्ट करेंगे 1 2 3 4, एक फंदा सीधा बना लेंगे और फोर फंदे ऊपर से ड्रॉप करेंगे। फिर एक फंदा सीधा बनाएंगे, थर्ड टाइम बबल्स बनाएंगे 1 2 3 4 5। रॉन्ग साइड में जाएंगे और फाइव फंदे उल्टे बना लेंगे 1 2 3 4 5। सीधी साइड में आएंगे, फोर फंदे शिफ्ट करेंगे 1 2 3 4, एक फंदा सीधा बना लेंगे, फोर फंदे ऊपर से ड्रॉप कर देंगे। फिर लास्ट के फोर फंदे सीधे 1 2 3 4, ऐसे सीधा बनाएंगे। ये देखिए हमारी फिफ्थ रॉ कंप्लीट हो गई है। सिक्स रॉ है रॉन्ग साइड, इस सारी रॉ को उल्टे उल्टे फंदों के साथ बुनकर कंप्लीट करेंगे। रॉ सेवन राइट साइड, एस्टिच ऐसे ही उतारेंगे, रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे। अब टू टाइम आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, ये देखिए 1, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे 2। फिर फोर टाइम जाली डालेंगे और थ्री फंदे सीधे बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, जाली डालेंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे 1, धागा आगे करेंगे, जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा 2, धागा आगे करेंगे, जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा 3, फिर धागा आगे करेंगे 4। फोर टाइम हमने जाली डाली है और थ्री फंदे सीधे बनाए हैं। फिर से टू टाइम दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, बैक लूप से टर्न करेंगे, जाली डालते हुए दो फंदों का एक फंदा 1, टर्न करेंगे, बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, एक फंदा सीधा बना लेंगे। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने एक फंदा सीधा बनाया, दो बार दो फंदों का एक फंदा बनाया, फिर हमने फोर टाइम जाली डाली है और थ्री फंदे सीधे बुने हैं, फिर दो बार दो फंदों का एक फंदा बनाया और एक फंदा सीधा बनाया है। फिर से पैटर्न रिपीट करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे और दो बार आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे 1, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे 2, फोर टाइम जाली डालेंगे और तीन फंदे सीधे बनाएंगे 1, जाली डालेंगे 2, जाली डालेंगे 3, जाली डालेंगे 4, टर्न करेंगे, टू टाइम दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे बैक लूप से 1, टर्न करेंगे, बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे 2, लास्ट में एक फंदा सीधा बनाएंगे या स्टिच भी सीधा ही बना लेंगे। रॉ सेवन कंप्लीट हो गई है। रॉ एट है रॉन्ग साइड, इस सारी रॉ को भी उल्टे उल्टे फंदों के साथ बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, रॉ एट कंप्लीट हो गई है और हमारा पैटर्न भी कंप्लीट हो गया है। फिर से हम इसे फर्स्ट रॉ से स्टार्ट करेंगे। ये देखिए फर्स्ट रॉ इसकी ऐसे सारी उल्टे उल्टे फंदों के साथ बुनकर कंप्लीट करेंगे। इसे आप एज ए बॉर्डर भी पैटर्न को यूज़ कर सकते हैं।
आप चाहें तो इसके नीचे कोई और बॉर्डर बनाकर फिर ऊपर भी इसे बना सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, फिर से हमारा पैटर्न फर्स्ट रॉ से स्टार्ट हो गया है। ऐसे ही बार बार इसकी 1 to 8 रॉ रिपीट करते जाएंगे और ये पैटर्न बनकर इस तरह से दिखने लगेगा। ये देखिए फ्रेंड, ये देखिए, इसे आप एज ए बॉर्डर या इसे फुल कार्डिगन में, बच्चों के स्वेटर में, फ्रॉक में डाल सकती हैं। बनकर बहुत ही प्यारा लगता है। अगर आप चाहें तो इसे नीचे से कोई और बॉर्डर बनाएं और ऊपर इसे स्टार्ट कर सकती हैं, या आप अगर इसे कार्डिगन वगैरह में डालना चाहते हैं, बच्चों के स्वेटर में डालना चाहते हैं, तो इसे फुल कार्डिगन में या हाफ में, जैसे नीचे से इसकी आप 4-5 रॉ निकाल लीजिए, ऊपर आप इसे प्लेन या कोई और सिंपल पैटर्न डाल सकते हैं, वैसे भी बनकर बहुत ही सुंदर लगता है। तो फ्रेंड, आप भी इसे बनाइए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।